खबर इंदौर से है, जहां क्राइम ब्रांच ने जिस सिकरी नगर से 200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, उसने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। सिकलीगढ़ ने बताया कि उसे कारतूस बनाने का सामान गुजरात से भेजता था। क्राइम ब्रांच अब पिता को पकड़ने के लिए गुजरात रवाना हो गई है। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगड़कर की टीम ने पलसूद में रहने वाले गुरु दयाल को पकड़ा है। आरोपी इंदौर में कारतूस की डिलीवरी देने आया था। गुरुदयाल ने बताया कि वह ऑर्डर पर माल सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली थी कि गुरुदयाल शनिवार को कारतूस की डिलीवरी करने वाला है। यह सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने अपने मुखबिर को कस्टमर बनाकर गुरुदयाल को फोन लगवाया। उसके साथ ही सौदा होने के बाद एक जगह मिलना तय किया। जैसे ही गुरुदयाल मुखबिर की बताई जगह पर पहुंचा तो क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली है कि गुरुदयाल का पिता भी सिकलीगढ़ था। वह अभी बड़ौदा में अपना डेरा जमाए हुए है। गुरुदयाल ने बताया कि वहां से सामान आने पर वह अपने घर के पीछे बनी कच्ची फैक्ट्री में इसे तैयार करता था, जिसके बाद ऑर्डर पर माल का सप्लाई कर देता था। वह एक कारतूस को 100 से 250 रुपए में बेचता था। क्राइम ब्रांच ने अगस्त 2022 में सिकलीगढ़ हरपाल सिंह चावला, इमू उर्फ इमरान, जफर खान, सिमरन पवार और चंदन निवासी होशंगाबाद को पकड़ा था। आरोपियों के पास से करीब 23 अवैध कट्टे और पिस्टल व 10 के लगभग कारतूस पकड़ाए थे। वहीं अफजल उर्फ गोलू सिंह की गैंग को पकड़कर उनसे 6 पिस्टल कट्टे और इतने ही कारतूस पकड़े थे। इसके बाद सितंबर में राजवीर सिंह निवासी कुआं खेड़ा को पकड़ा था। आरोपी के पास से 2 देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस मिले थे। क्राइम ब्रांच ने खजराना के फैजान उर्फ गोलू को भी पकड़ा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा था। पुलिस ने सिकलीगरों से 55 देसी कट्टे व पिस्टल के साथ ही 11 जिंदा कारतूस जब्त किए थे। खरगोन व देवास से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 10 देसी पिस्टल, 4 नग देसी कट्टे एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे।